कैसी चर्चा करेंगे? इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट जोन, समझते हैं कंफर्ट जोन? पहले बताया ना पिछली लेकिन आज और भी सेंस में कहेंगे हम कंफर्ट जोन। सबसे बड़ा कठिन काम होता है फूलों के अंगेश चलना, सबसे कठिन काम होता है, सबसे कठिन। भगवान बनने वाले जीव कितने कम होते हैं लेकिन निगोज जाने वाले जीव बहुत होते हैं। नीचे की तरफ जाना आप किसी को कुछ मत सिखाइए, छोटा सा बच्चा होता है उसे कुछ मत सिखाइए, लेकिन चोरी करना अपने आप सीख जाएगा, लड़ाई करना अपने आप सीख जाएगा। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, वो गया एक धप्पा मार दिया अब वो जारी छोटी सी बच्ची या बच्चा था वो रोने लगता वो गिर पड़ा। मतलब कहने का मतलब है कि पांच पाप चार कसाय सिखाने नहीं पड़ते, इसीलिए पापियों के लिए वो इजी गोइंग लगता है, दुनिया को बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई आपको पेपर आउट कर दे और सारे बच्चे पेपर आउट कर रहे हैं, सबको पेपर आउट हो गया, आप क्या करोगे? बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत। आपके पड़ोस में ही आपकी जो एक सिस्टर माने फ्रेंड है वो कह रही देख देख पेपर आउट हो गया और कल का पेपर भी आया था और आज का भी कल आ जाएगा। अब आप उसकी तरफ देखे तक नहीं, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। इजी गोइंग जो चीज मिलती है उसे मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। दूसरी तरफ से कहें तो हैप्पीनेस नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो आप क्रिकेट खेले थे थोड़ी बहुत खेल लेते हो, तब एक काम करो आप लोग क्रिकेट खेलो कक्षा एक के बच्चों के साथ, 11 बच्चे कक्षा एक के और आप 10th के, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? इसमें मजा क्या है? कंफर्ट जोन हो गया ये तो। मजा तो जब आए जब अब कल्पना करिए आपके लेवल से भी अपर लेवल वाला, तो समझ लीजिए इंडिया की क्रिकेट टीम महिलाओं की और वो प्रैक्टिस मैच करने के लिए आपके स्कूल में आ गए, प्रैक्टिस मैच करते प्रैक्टिस मैच के लिए आ गए और फिर आपको प्रैक्टिस तो करानी थी, आपने सोचा भी नहीं था कि अपन जीत सकते हैं, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि आपकी प्रैक्टिस मैच में ही वो हार गए। तो आपको जिंदगी में कभी मजा नहीं आया होगा जितना मजा आज के मैच में आया। इसको हम कहते हैं, अब आपको बताइए इजी टॉस चाहिए या हार्ड टॉस चाहिए? ये आप ध्यान रखेंगे अगली बार भूलेंगे नहीं आपको। चाय जैसे कपड़ा पहनना इजी टास्क है, दुनिया में कोई उनसे कहता भी नहीं तुम कैसे कपड़े पहनते हो, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहनोगे ना तो आपकी ताई बोलेगी क्या है ट्रेडिशनल आपके पड़ोसी बोलेंगे तुम अभी तक डॉट डॉट हो तुम अभी तक सुधरे नहीं, देखो लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं, लड़कियां चांद पर जा रही हैं, लड़कियां कहां कहां जा रही हैं। लेकिन अब उस समय आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना, इजी टास्क लेना बहुत सरल है, लेकिन हार्ड टास्क लेना है। जिंदगी में चैलेंज लेने का एक मजा है, यदि आप चैलेंज नहीं ले सकते तो फिर जिंदगी जीने का मजा बिल्कुल नहीं आएगा आपको। यदि हम आपसे कह दें ना आपको 1,00,000 रुपए पर मंथ की जॉब मिलेगी, करना है आपको, तो आप पूछेंगे काम क्या है? काम कुछ नहीं, बस बैठे रहना 1 घंटा मौन, तो आपको 1,00,000 रुपया अच्छा लगने पर भी वो जो 4 घंटा या 8 घंटा मौन बैठना है वो आपको बहुत बोर कर देगा। आप तो हमें टास्क दो, IIT में लोग क्यों जाना चाहते हैं? मौन कुछ नए नए टास्क मिलते हैं, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, तो तब उनको मजा आता है। तो हम आपसे भी कहना चाह रहे लोग अंग्रेज जाना, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। कल जो हमारी चर्चाएं हुई पढ़ाई के मामले में, मैं जानता हूँ जो मैं पढ़ा के कह के गया हूँ वो सारी दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल एक ही हो बेवकूफ हो,
अच्छा जरूर तुम पुअर मेंटेलिटी वाले होगे, नहीं तो नहीं नहीं पुअर ग्रेस्पिंग होगी, क्योंकि लोगों क्या लगता है आर्ट तो वो लेते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन हम एक बात बता दें, विश्व में आर्ट से ज्यादा सुखद सामग्री किसी के पास है, चाहे वो म्यूजिक हो, वर्ल्ड का हर आदमी म्यूजिक सुनता है और म्यूजिक आर्ट में आता है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं चले जाइए, पिकासो की पेंटिंग लाखों डॉलर में बिकती, लाखों डॉलर में, वो आर्ट की चीज है। आर्ट में एक नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा फैकल्टी केवल आर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को लगता है कि आर्ट में क्या है। आपके पास यदि बोलने की कला है ना, बोलने की कला, एक नाम शायद रजिया सुल्तान नाम अमेरिका शायद नहीं कौन जो न्यूज रीडर है, न्यूज रीडर वो क्लर्क है, मतलब ऐसी कुछ काम करती है सिंपल। लेकिन जिस दिन इंदिरा गांधी की डेथ हुई उस समय कोई न्यूज रीडर नहीं था, और दूरदर्शन में, दिल्ली दूरदर्शन में कोई भी न्यूज रीडर नहीं था। अभी ये लड़की काम करती थी वहां पर, तो इसने अब कोई नहीं था ना, तब कर गया, न्यूज देना जरूरी था, तो इसको बुलाया कि एक तुम्ही लेडीज हो इस समय, क्या तुम इस न्यूज को रीड कर सकते हो, एक ऐसी शॉकिंग न्यूज है जो पूरे देश को हिला देगी। पूरे देश में उसके बाद इतने दंगे हुए थे पूछो मत, बहुत दंगे हुए, और ये न्यूज आपको देनी। उसने इतनी इतनी अच्छे तरीके से न्यूज रीड की, जिसको मुझसे से 8-10 हजार रुपए मिल रहे थे उसको सीधे 60 हजार रुपए मिलने लगे एक न्यूज रीड करने के चक्कर। 2-3 मिनट की न्यूज रीड की थी उसने, और इसके बाद से उसको न्यूज रीडर बना दिया गया। मैं नहीं जानता हूँ अभी करते कि नहीं, लेकिन 20 साल पहले तक मैंने जब तक मैंने न्यूज रीडर देखी है तब तक उसे न्यूज पढ़ते हुए देखा मैंने, मैंने इतना अच्छा माना है, उसकी इतनी तारीफ हुई। हमारा मतलब ये आर्ट है। देखो आपने देखा होगा, अभी तो आप बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, जरा में आप घूम पाटने लगेंगे, जरा में हंसने लगेंगे, जरा में चीखने लगेंगे, कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं, कोई नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बोलते समय आपको बहुत सोवर लगना चाहिए। जैसे मान चलिए आपको गुस्सा भी करना है ना, तो सोवर तरीके से करना है। एक है फिलो गुस्सा करने का, क्या करना ही तो होता है, इतिहास एक तरीका तो है, आप और क्या कर रहे हैं इधर आई, गुस्सा तो दोनों में आ रहा है, लेकिन एक सोवर है और एक रब है। रब बोलने वाले को नौकरी नहीं मिलती, रब बोलने वाला व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलते, रब बोलने वाला व्यक्ति को फिर वो हैबिट पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, वो चाहे जैसे बोलने लगते। इस बात का हमें ध्यान रखना है, सोवर बोलने वाला व्यक्ति दुनिया में कभी पराजित नहीं हो सकता, इतनी अच्छी। अभी एक आर्ट है बोलना, एक आर्ट है लिखना, एक आर्ट है अच्छी बात, उसी बात को आप रफ शब्दों में लिख सकते हो, उसी को आप बहुत अच्छे शब्दों में लिख सकते हो। मैं फिर कहता हूँ, मैंने पहले भी एक बात कही थी, इट इज ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन, मैंने आप ब्यूटीफुल होने की कोशिश करिए तो केवल मेकअप मत करिए। वो लड़की मेकअप नहीं करती, वो जिसका मैं नाम ले रहा रजिया नाम था, रजिया सुल्तान ऐसे कुछ नाम था, जो भी नाम ऐसे कुछ नाम था, लेकिन वो मेकअप नहीं करती, ठीक ही नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, और हमेशा सोवर कपड़े में आई, वो कभी वैसे कपड़े में नहीं आई। बीबीसी लंदन में एक अग्रवाल मैडम है, न्यूज रीडर है, इंडिया की है, उसकी पूरे वर्ल्ड में तारीफ होती है, वो एक दिन भी भारतीय साड़ी नहीं छोड़ी उसने, लेकिन उसके बोलने का इतना सोवर तरीका है, उसके कारण उसको न्यूज रीडर बनाया हुआ है। वो कभी भी उसे भारतीय साड़ी पहन करके जाती है बाकायदा, अग्रवाल समाज की बच्ची है। हमारा मतलब ये है, आप उन अच्छे लोगों को देखे हो जो फिलो के अंगेश जा रहे हैं, आपके जो आइडियल होना चाहिए फिलो के अंगेश वाले होने चाहिए। फिर से आ जाओ, यदि आपको टीचर ही ये बोल रहा है हम आपको पेपर आउट करा देंगे, बहुत टफ पेपर है, आप इसे पढ़ लेना, अब आपको इतनी हिम्मत होना चाहिए कि You can deny.
शिवपुरी की एक घटना है, सच्ची घटना है। शिवपुरी में एक बच्चा 8वीं पास हो गया 80% नंबर से, 80% से पास हो गया। तो उसके पापा ने कंज्यूमर फोरम में चला गया, वो कंज्यूमर फोरम में, कि मेरे बेटे को कक्षा 5 के लेवल का भी नहीं आता, कक्षा 3 के लेवल का भी नहीं आता, नहीं इन्होंने गलत मार्कशीट दी है 8वीं क्लास की, पास 80%। तो उन्होंने दावा किया उसके ऊपर कि संस्था हमें धोखा दे रही है। चेकिंग हुई बाकायदा, उस बच्चे को सही में कुछ नहीं आता था, सेकंड लेवल का भी नहीं आता था, 80% के नंबर भी। उसके ऊपर, उस विद्यालय के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना मिला। आप समझ गए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे जमाने में भी नकल होती थी, मेरे जमाने में बच्चे यही सोचते थे IMP ले लेंगे। IMP जब कॉलेज लेवल पे आप जाओगे ना, कॉलेज लेवल पर, तो बुक्स में IMP नहीं लगाई जाती, अभी आपकी कॉपी में कहते थे IMP है, लगभग 50, 60, 70 IMP लगा दी उन्होंने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कॉलेज लेवल में, कॉलेज लेवल में 10 IMP बताई जाती है, पर 10 ही पेपर आता है, पेपर भी 10 ही क्वेश्चन का आता है, और 85 सॉल्व करने होते हैं, और 10 क्वेश्चन दे देते थे, बहुत बढ़िया। तो हमने कभी नहीं ली, क्योंकि उसके भरोसे के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाती। और अलग अलग स्टूडेंट्स आते, ये भोपाल से फला सर का है, बहुत विश्वसनीय है, इसमें से फंसते हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें से बहुत आते हैं, बच्चे घबराते हैं, फिर 10 क्वेश्चन ले आते हैं मार्केट से, 20 सीरीज ले आते हैं, जाने क्या कहलाते हैं। हम साल भर इनका सोचते भी नहीं थे आगे इस तरफ फिलो चलना है, समझ गए आपको क्या कह रहा हूँ। फिर समझ लीजिए, दुनिया में पढ़ाई कभी कठिन नहीं होती, लेकिन एक रिवर बनाई जाती है, आपको कोचिंग करनी पड़ेगी तो ही आएगा, आपको ट्यूशन लेनी पड़ेगी तो आएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कॉलेज में, स्कूल में एक चैप्टर ऐसा था, यदि कोई यहाँ पर कॉमर्स लिए हो खासतौर से 11th-12th में, तो उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा हुआ इनवॉइस का। अब वो चैप्टर इतनी रिवर थी, हर साल आता है क्वेश्चन 15 नंबर का, हर साल 15 नंबर का आता है, और सब उसके लिए ट्यूशन करते थे, केवल एक सवाल करने के लिए 2-3 महीने की ट्यूशन जाते थे बच्चे सारे। मैं नहीं गया, मैं ट्यूशन नहीं गया, लेकिन रिवर मेरे दिमाग में बैठी इमेज की ये टफ है। अब जब मुझे लग रहा है टफ है, तो मैंने साल भर नहीं पढ़ा, क्यों, दिमाग में एक बात सेटिंग थी कि 15 नंबर का आएगा तो उसमें ऑप्शन होता है, या तो थ्योरी या न्यूमेरिकल। तो हमने सोचा चलो थ्योरी लिख के आ जाएंगे, 7-8 नंबर तो कहीं दी गई, तो 7-8 तो मिल ही जाएंगे, न्यूमेरिकल के चक्कर में क्यों 500 रुपये ट्यूशन फीस दे। मैं ऐसा मैंने किया, संयोग की बात है, कल पेपर था उसका, और आज रात को 11:30-11 बजे मेरी पूरी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई, 100% कम्प्लीट, केवल एक चैप्टर रह गया इनवॉइस का, जिसे मैंने साल भर नहीं पढ़ा। अब मैं सोच रहा था चलो पढ़ लेते, टाइम है 10 बजे अभी, तो अपन पढ़ लेते, 15-20 मिनट के अंदर उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। फिर मैंने सोचा चलो टाइम तो बचे ही है, कुछ करना तो है नहीं, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल देखना शुरू किया, उसके एक्सरसाइज नहीं, न्यूमेरिकल जो सॉल्व थे, इलस्ट्रेशन, हमने इलस्ट्रेशन देखना शुरू की। अभी भी कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था, लेकिन इलस्ट्रेशन अच्छे से समझते चले गए, 5-6 इलस्ट्रेशन थे, हमें सारे चेक कर लिए, अच्छे से देख लिए, इसके बाद हम सो गए, सुबह उठे गए। उस समय तक मेरे दिमाग में इनवॉइस हुआ था, 4 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए, सबसे आखिरी में नंबर आया इनवॉइस का। इनवॉइस का जब सवाल हल करने बैठे, तो हमने थ्योरी का ही मूड था, तो थ्योरी लिखने बैठे, इतने में मेरे एकदम विकल्प आया, यदि बाई दफे अपना आधा सवाल सही हो गया तो 8 नंबर तो उसी में मिल जाएंगे, तो क्यों ना अपन न्यूमेरिकल करें। और मैंने थ्योरी छोड़कर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दिया, मुझे पता नहीं कि सही है कि गलत, करते जा रहे, मुझे पता नहीं था सही है कि गलत है। लेकिन जैसे ही मैं क्लासरूम से बाहर आया, तो जो विद्यार्थी ट्यूशन पर जाते थे, वो ट्यूशन वाले सर के पास जाकर उसका आंसर उन्होंने मैच किया कि सर इसका सही आंसर क्या है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, जितने ट्यूशन पर जा रहे थे उनका सबका गलत था, लेकिन जब मेरा आंसर उन्होंने मिलाया तो सुमत का सही। उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि दुनिया में कठिन कुछ नहीं होता, कठिन का रिवर टीचर ही बनाते हैं। वो लोग कहेंगे नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको ऐसे कर पढ़ना पड़ेगा। हाँ पक्की बात है,
बिल्कुल सही बात। मैं आपको फिर कहता हूँ, मैंने अब मैंने बताया होगा पहले, मुझे नहीं मालूम, मैंने 5 साल तक प्राइवेट पढ़ाई की है। ये भी आप कॉमर्स के सब्जेक्ट जानेंगे ना, थोड़े बड़े होकर के कॉमर्स में जो पढ़ने जा रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स बहुत कठिन होती है, कॉस्ट अकाउंट बहुत कठिन होता है, कंपनी अकाउंट बहुत कठिन होते हैं, अकाउंटेंसी है, कास्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, सब कठिन है। आप कल्पना भी नहीं करते, मैं भी जानता हूँ कठिन है। इसके बावजूद मैंने ट्यूशन नहीं ली, प्राइवेट पढ़ रहा था, मैं जॉब कर रहा था उस समय 10 से 5 जॉब। इसके बावजूद मैंने अपने यहाँ पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के बावजूद भी मेरे को यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल मिला, 35,000 विद्यार्थियों में सेकंड पोजीशन पे भी। मुझे मुझे खुद मुझे विश्वास नहीं था, मुझे पता नहीं था ऐसा हो सकता मेरे साथ, लेकिन इसका कारण भी थी, जो स्ट्रगल करते हैं ना वो सफल हो जाते हैं। जो टीचर के भरोसे रहते हैं वो 50% मूड से स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आपने देखा जितने लोग ट्यूशन पे जाते हैं वैसे बैठ जाते हैं, ऐसे करते रहे, मतलब वो जो टीचर पढ़ा रही है उसमें फोकस नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो टीचर ने कहा समझ में आया कि नहीं आया, अब टीचर समझ गई नहीं समझ में आया, फिर भी उसे चलो कोई दिक्कत। फिर दूसरी लड़की ने बोला तुमको समझ में आया, अरे क्या करना है यार, कोचिंग में जा रही मैं हूँ। तो ये कमजोर करने की बहुत बड़ा तरीका। दूसरी बात, ट्यूशन पर आपको IMP पढ़ा दिए जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, शॉर्टकट दिखा दिए जाएंगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन मैंने फिर वही बात कहा, अंग्रेज द फिलो, यदि आप शॉर्टकट करेंगे तो प्रोफेसर कभी नहीं बन सकते। मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बताया था कल आपको, स्ट्रगल किया। आज की तारीख में भी आप मुझे किसी कॉलेज में पहुंचा दो तो अभी 30 साल बाद, कितने साल हो गए मेरे, 95 के बाद से अभी कितने साल हो गए, 23 साल। अभी 23 साल बाद भी जा करके मैं कॉलेज को पढ़ा सकता हूँ, क्यों, उसका कारण हमने स्ट्रगल किया है। आप में से जब ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे बैठे रहेंगे ना तो आप स्ट्रगल करना भूल जाएंगे। एक बात सुनो बच्चे, आप स्ट्रगल करना यहाँ नहीं भूल जाएंगे, लाइफ में भी स्ट्रगल करना भूल जाएंगे, ये बहुत बड़ा लॉस होगा। आप एक बात समझ लीजिए, आपको स्ट्रगल करना है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, तितली होती है, तितली अंडे में से निकलती है तो बहुत मेहनत करके खुद ही निकलना पड़ता है उसे, अंडे का कवर बहुत मजबूत होता है, उसे खुद ही तोड़ना पड़ता है। तो एक वीडियो आई, वीडियो कि जो देख रहे थे ना अंडे को फूटता हुआ, उसको बहुत तड़पते हुए मेहनत करते हुए हाथ पैर ऐसे ऐसे करते करते, तो उनको दया आ गई थोड़ी सी, तो उन्होंने उसके जो ऊपर का अंडा क्रैक हो चुका था, अंडा उसको उन्होंने थोड़ा सी सावधानी से ऐसे कर दिया, हटा दिया, ताकि वो बच्चा इजीली निकल आए और दूसरे को नहीं निकाला। दूसरे का बच्चा स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल करके स्वयं तोड़ करके बाहर निकला। आप कल्पना कर सकते हैं जिसको इजीली निकाला गया था ना वो मर गया, और जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था वो फुल फिट था। समझते कुछ क्या कहना मुझे, बेटे जिंदगी में कभी इजी का डिमांड मत करो, इजी टास्क नहीं मिलना चाहिए, इजी कंट्रोलिंग नहीं मिलना चाहिए, इजीली हमको कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए, आप हर फील्ड में लगाएंगे, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे सील की मर्यादाओं का हो, चाहे खान पान का हो। अभी मार्केट में आप जाइए, यदि आप माहौल देखेंगे तो कोई सब लड़कियां खा रही हैं, लड़के खा रहे हैं, वो चाय जैसे खा रहे उठ रहे, लेकिन नहीं, हमको इजी टास्क नहीं चाहिए। आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे भी पेशेंस रखना पड़ा, मैं बहुत कमजोर विद्यार्थी माना जाता था, मेरे पापा मुझे बहुत इंसल्ट करते थे, मुझे कभी इतना वो नहीं मिलता था रिस्पॉन्स। लेकिन जब एक समय आया जब सफलता मिली तो आज सारा देश, परिवार तो ठीक है, सारा देश अब रिस्पॉन्स देता है। बेटे आपको भी यदि ये चाहिए, ये रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको भी हार्ड टास्क चुनिए, इजी गोइंग टास्क मत लीजिए। समझ गए आप लोग? तो ये बस क्या कहलाता है, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना। आपको लगता होगा यदि पंखे बंद कर दिए जाए तो अपन ये बैठ नहीं पाएंगे, कैसा लगता होगा आपको, लेकिन आपको बताऊं मैं आपको, एक समाज होती है जो बैलगाड़ियों में चलती है, गांवों के बाहर रुक जाती है, लोहा बीटा कहलाती है, महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं। इस कम्युनिटी को कोई पंखा नहीं इनके पास,
चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, इनके लिए कोई भी पंखा तक नहीं होता। एसी की तो बात छोड़ो। आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेल्थ रेट उनकी है। इनमें से किसी को टीबी नहीं है, इनमें से किसी को भी डायबिटीज नहीं है, इनमें से किसी को भी हार्ट अटैक नहीं है। कुछ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिंदगी में यदि आपको फैसिलिटीज नहीं मिले तो समझना आपके पास हेल्थ आ रही है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, जैसे आप बड़े होंगे तो आपको सबसे पहली लड़ाई ये होगी, मेरे घर में है ही क्या, एकदम गरीब है हम लोग, हमारे घर में कुछ नहीं, पहली लड़ाई होती है घरों में। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमें जो मिलेगा उसमें हमें मुस्कुराना है। मेरे पास कुछ प्रश्न उत्तर आए थे बच्चों के, उसमें एक प्रश्न यही है कि हम बहुत सोचते कि हमें मुस्कुराना है, लड़ना नहीं है, लेकिन कंपैरिजन होता तो गुस्सा आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, आ जाए। ये सभी की प्रॉब्लम है। टाइम हो रहा है, लेकिन मैं तो चाह रहा था इसको एक घंटा डिस्कस करें हमें, वर्कशॉप नहीं। आप बता सकते गुस्सा आता क्यों? नहीं, ये कंट्रोल नहीं होता, ये तो कोई उत्तर ही नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सब फ्रस्ट्रेशन वगैरह तो इसी का ही रिजल्ट है। बता दूं आपको दो बातें बता रहा हूँ, है तो बहुत सारी लेकिन दो बातें सुनना सभी लोग। हमें गुस्सा क्यों आता है, इरिटेशन हमें क्यों आता है? सबको इरिटेशन आता है, एक भी ऐसा नहीं जिसको इरिटेट नहीं होता। इरिटेशन आता है क्यों? नंबर वन, हम अपने आप को हमेशा सुपर देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। दीदी भी समझा रही है, तो आपको ऐसा दीदी बेवकूफ जब देखो जब पोती छाटने लगती है, आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब आप अपने आप को सुपर समझ रहे हो। ऐसा मम्मी के सामने भी हो सकता है, मम्मी आपको कोई बात समझाएगी, ज्यादा मत बोलो, मैं सब समझती हूँ, मुझे भी पता है। ये इरिटेशन इसलिए होता है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर पा रहे यार। यदि आप अपने आप को असेस कर सके, रियलाइज कर सके, तो आपके साथ गुस्सा नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए आपको डांस के मामले में कुछ नहीं आता और आप किसी डांस टीचर के पास जाओ तो वो आपको स्टेप सिखाएंगे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो आप इरिटेट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको पता है कि मुझे डांस के बारे में कुछ नहीं आता है। लेकिन मान लीजिए अभी खाने पीने के मामले में दीदी समझाएं, कपड़े पहनने के बारे में समझाएं, सफाई के बारे में समझाएं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात पर गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, जब देखो जब उपदेश झाड़ने लगती है, जरा दो मिनट नहीं मिले, ए कम ऑन, ऐसे नहीं, ऐसे, जब देखो जब डोंट एंड डूज, तो ये इरिटेशन का पहला कारण हो गया कि हम अपने को असेस नहीं कर पाते, हम ये नहीं समझ पाते सचमुच हमें नहीं आता है। हम अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, सुपर वुमन समझते हैं, या दूसरों को बताना चाहते कि आई एम सुपर। आपने देखा वो घरों में भी एक गंदगी होती है, हम तो सब जानते हैं, हमें सब आता है, लेकिन रियली जो ये कहता है ना हमें सब आता है, उसे रियली कुछ नहीं आता। आपको पता है मुझे इतनी अच्छी बात लगती है, सुशीला श्री जी सोनगढ़ से पधारते थे, वो हमेशा एक बात कहते थे, इतनी मीठी भाषा में कहते थे, आ हा 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 चार ज्ञान के धनी गणधर परमात्मा भगवान के समो शरण में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे अनुभव करते हैं मानो सड़ा हुआ तृण तुल्य। सड़ा हुआ तृण तुल्य समझते हो? एक घास का तिनका 10 दिन से पानी में सड़ रहा है, उसे उठाने जाओ ना टूट नहीं सकता, वो टूट टूट जाता है, इसका नाम है सड़ा हुआ तृण तुल्य। कौन समझते हैं? चार ज्ञान के धनी। और हम आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल से पढ़कर आएंगे 8th में किसी क्लास में और 95% नंबर होंगे, 90 होंगे, 85 होंगे। सही बताना आपको अपनी मम्मी कैसी लगती है? आपको अपनी दादी कैसी लगती है? ओ मम तुम क्या समझो, मोबाइल तुम क्या समझो। यदि आपको ऐसा डायलॉग है इसका मतलब आप अपने आपको गलत समझ रहे। दादी का जो एक्सपीरियंस है ना वो तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों के ज्ञान से बड़ा है।
जो लाखों किताबें पढ़ लेते हैं उससे भी बड़ा है उनका ज्ञान। एक्सपीरियंस बहुत काम की चीज होती है, किताबी ज्ञान उतना काम का नहीं होता है। अब आनंद तो जब आए, जब तुम 100% और सभी पास हो जाओ, 95% से पास हो जाओ, और आपको ऐसा लगे कैसे पास हो गए, मुझे तो कुछ आता नहीं है। आप ऐसे बोल के देख लो थोड़ा सा, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तब जो टीचर आपको रिस्पेक्ट देंगे, प्रेम देंगे, गले से लगाएंगे, आपके मम्मी पापा कहेंगे कितनी पोलाइट है, कितनी अच्छी है, तब आपको अच्छा लगे। अभी होता क्या है, मम्मी चिल्ला के बोलती दो कोड़ी के लक्षण नहीं है। अब तुमको ऐसा लगता है अरे 95% लक्षण है। मेरी टीचर मेरे को लाइक करती है, मेरी हालांकि हेड मिस्ट्रेस तक मेरी तारीफ करती है, बस एक मम्मी। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मम्मी की शिक्षा जिंदगी भर काम आएगी, और टीचर की शिक्षा केवल स्कूल तक या हॉस्पिटल तक या बैंक तक काम आएगी, लेकिन मम्मी की शिक्षा जिंदगी भर काम आएगी। आप दादी की शिक्षा जिंदगी भर काम आएगी, टीचर की शिक्षा समाधि मरण नहीं कराएंगे, टीचर की शिक्षा घर में सॉल्यूशन कैसे निकाले जाए ये नहीं सिखा पाएगी। मैंने इसमें एक लिखा है बच्चियों के मामले में, ग्रस्त जीवन के मामले में, कोर्ट तुम्हारा घर बिगाड़ तो सकता है लेकिन बसा नहीं सकता। सारी दुनिया मिलकर के तुम्हारी झगड़े बढ़ा करके तुम्हारे घरों को मिटा सकती है, बसा नहीं सकती। लेकिन यदि आप अच्छे स्वाध्याय करते हैं, और अभी जो कहा था कम्फर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, आपको रिस्क लेने में मजा आता है, फैसिलिटी नहीं मिलने पर भी आप एंजॉय करते हो, इसका मतलब यह है कि आपको गुस्सा अब नहीं आएगा, आप आनंद करेंगे। पहली बात हो गई बराबर, तो पहली बात क्या होगी, आप अपने आप को अच्छे से असेस नहीं करते, सुपर देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं। अब 95% से भी नंबर आए तो आप सुपर मत देखो, बल्कि आते से मम्मी को बोलो, मम्मी ये तो सब आपके आशीर्वाद का फल है। अच्छा सही बताना, आप में कितने बच्चों ने ऐसा बोला है कभी 89-90% से पास हुए हो, और जाकर आपको सच में हार्डली ये लगता है दादी उनसे गले लिपट गए हो आप, दादी यदि आज आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं नहीं जीत सकती थी, किसी ने कहा है ऐसा? एक काम करना, आप यहाँ से सफल होने के बाद जब भी जाएंगे अच्छा रिजल्ट लेके, आप करके देखना आपकी दादी आपके कितने गीत गा रही है, सारे पड़ोसियों में गूंज फैलेगी उसकी, करके देखना। हम अपना श्रेय दूसरों को देना सीखे, नंबर वन हो गए बराबर। दूसरी बात होती है क्रोध का मूल कारण होता है जेलेसी। जेलेसी आखिर इसके नंबर ज्यादा आ कैसे गए, इसकी इतनी प्रशंसा हो क्यों रही है, इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल देकर के। घर में जब चोर आता है ना, चोर तो सबसे पहले लाइट काट देता है, फिर टेलीफोन की लाइन काट देता है, दो चीजें काटता है, मोबाइल तो नहीं काट सकता वो लेकिन वो टेलीफोन लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन दोनों कट करता है, फिर वो चोर आता है। ऐसे जब क्रोध आता है ना तो सबसे पहले हमें अंधेरा आ जाता है, अज्ञान अंधेरा, हम वीर विज्ञान नहीं कर पाते। आपने पूछा ना इसमें क्वेश्चन, उस समय बहुत सोचते कि हमें नॉर्मल रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, भगवान आत्मा सोचना चाहिए, ज्ञानी सोचना चाहिए, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते। नंबर वन, जब क्रोध आता है तो हमारी लाइट वेद विज्ञान की लाइट कट हो जाती है। नंबर टू, जब हमें गुस्सा आता है ना तो जिनसे हमें बात करना चाहिए टेलीफोनिक लाइन, आप देखना अब गुस्सा आएगा तो हम मम्मी से फिर सलाह नहीं लेंगे, लेकिन मम्मी से सलाह लेनी चाहिए, पापा से सलाह लेनी चाहिए, जहाँ पूछना चाहिए भाई नहीं पूछेंगे। सुनो, ये दो मिस्टेक होने की सजा बहुत बड़ी है, वो आप लेख में पढ़ लेना। ओके, चलो अब तक बहुत सारी बातें हुई। क्रोध इसलिए आता है, गुस्सा इसलिए आता है कि हम पहली बात तो असेस नहीं कर पाते अपने को, और दूसरा जेलेसी। नंबर तीन, आप सीखने के लिए सदा तैयार हो। आप मान लो कि आप विद्यार्थी हैं, जो सीखने के लिए तैयार है उसे गुस्सा कभी नहीं आया। फिर से बोल रहा हूँ, जिंदगी के हर मोड़ पर, केवल स्कूल में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। आप कभी कोई डॉक्टर है, आपके रिलेटिव डॉक्टर है, तो आप उनसे मिलकर के देखना, जब वो सर्जन के अंडर काम करते हैं हॉस्पिटल में, कैसे काम करते हैं आप देखो,
इतने बड़े हैं 24-25 साल के, खुद वर्ल्ड मेडलिस्ट है, बढ़िया इंटेलिजेंट है। वहां पर एक 55 इयर्स ओल्ड सर्जन है, सर्जन राजा की तरह चलता है, और आपका जो नया डॉक्टर होता है ना 25 साल का गोल्ड मेडलिस्ट, वो ऐसे ऐसे चलता है, बड़ी इज्जत के साथ उनका वो बैग लेके चलता है। यस सर, आपने कह दिया यस सर, यस सर, सॉरी सर, सॉरी यस, इतनी धीरी जमाने में बात करता है। देखना कभी आप सबोर्डिनेट डॉक्टर कैसे बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसे गुस्सा क्यों नहीं आता, क्योंकि उसे मालूम है मैंने अभी जो कुछ पढ़ाई की वो कुछ नहीं है, ये जो सर्जन सिखाने वाला ना ऑपरेशन करने का स्टाइल वो मुझे कोई नहीं सिखा पाएगा, ये ही सिखा सकते हैं, बस उसको गुस्सा नहीं आता। ऐसी आप ये समझ लीजिए कि हमारी टीचर ही हमको सिखा सकते हैं, हमारे वार्डन को सिखा सकते हैं, हमारी मम्मी हमको सिखा सकते हैं, बस आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट आपको बता दें। चलो 2-4 क्वेश्चनों के जवाब देकर मैं चलता हूँ, और यदि आपकी बात इसके बाद कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने बढ़िया थे, ये बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे कितना अच्छा सोचते हैं। मेरे बच्चों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस लिखे जो भी बच्चों ने मुझे दिए हैं, लेकिन सबके जवाब हो सकते हैं इसलिए दे रहा हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप सोच रहे हो, आपकी दीदी है पढ़ाने वाली है, आप उनसे पूछेंगे तो उसके जवाब वो दे सकते हैं, इसलिए उनको नहीं देंगे। एक इसमें क्वेश्चन आया, सेना की नौकरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोल्जर है, यही देखिए सोल्जर, सेना, सेना में भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी देखो मैं ये नहीं कहता हूँ सेना में आप जाएं या नहीं जाएं, देश की रक्षा की जरूरत पड़ी तो आपको सेना में भी जाना पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना। हम सेना के विरोधी नहीं है, हम युद्ध के विरोधी नहीं है, हम विरोधी हिंसा के लिए युद्ध कर सकते हैं, अपने देव गुरु धर्म की रक्षा और देश की रक्षा के लिए हम युद्ध कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी शर्त ये, कभी आप कल भी मैंने एक बात कही, हम ये नहीं करेंगे आप कौन सी पढ़ाई करें कि नहीं करें, कौन सी नौकरी करें या नहीं करें, हमारी एक ही शर्त है आपके अष्टमूलों की रक्षा होगी कि नहीं होगी। यदि वह आपको मांस खाना पड़े, शराब पीना पड़े, रात्रि भोजन करना पड़े, अंडा खाना पड़े, तो अब आप ही सोच लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन ऐसे ऐसे सैनिकों को मैं जानता हूँ जिनको परमवीर चक्र मिला है, परमवीर चक्र मिला है। अंग्रेजों के जमाने की बात है, 1947 से पहले की बात है, और वो व्यक्ति टोटली वेजिटेरियन था, लेकिन देश की आजादी के लिए उसे लड़ने का जज्बा था, तो एडमिट हो गया, उसे अच्छी हेल्थ हाइट थी, बढ़िया उसे भर्ती हो गया, तो वो केवल चने खा रहा था और दूध पी रहा था, मैंने ऐसे ऐसा भोजन कर रहा था, तो उनका जो कंट्रोल करने वाला इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन करने वाला जो कर्नल वगैरह होते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं, वो उन्होंने देखा, क्यों ये क्या खा रहे हो, तुम लड़ेगा कैसे, मांस मच्छी खाना चाहिए, बॉडी बनता है, युद्ध कैसे करेगा, तो अभी वो झुका नहीं, बोला कहा साहब एक काम करो, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं ऐसे 2 पहलवान आप कोई से भी लगा दो मेरे साथ, और मैं अकेला, यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं मांस मच्छी खाऊंगा, और यदि वो दोनों हार जाएंगे तो आप मेरे डबल दूध और डबल दही कर देंगे ना। तो अंग्रेज को बहुत ऐसा लगा कि क्या कह रहा है, तो 2 जबरदस्त पहलवान मांस मच्छी खाने वाले उससे उसकी फाइट कराई गई, कुश्ती कराई गई, उसने एक साथ दोनों को हरा दिया। उस अंग्रेज ने मालूम क्या कहा, वेजिटेरियन में इतनी पावर है तो आज से मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। मतलब उस अंग्रेज ने छोड़ा मांस और उसका डबल कर दिया गया, दूध दही जो जो खाने के लिए उसे चाहिए था, मक्खन वगैरह उसे डबल कर दिया गया, तो बहुत बढ़िया लड़ाई की उसे, परमवीर चक्र मिला उसको। हमारा मतलब है कि बेटे मैं तो ये चाहता हूँ आप स्ट्रगल करो, लेकिन सम्यक समाधि और सील, ये 3 चीजों की रक्षा आपको जरूर करनी है। आप किसी फील्ड में जाइए, मैं तो गौरवान्वित होऊंगा, मैं अभी आपको क्या बोलूं, नासा में एक अपना जैन लड़का काम करता है, नासा समझ गए होंगे सबको, एक अपना जैन काम करता है, मैं उसका प्राउड से नाम ले रहा हूँ, आज तक उसने अपनी स्वाध्याय मिस नहीं की, आज तक उसने रात्रि भोजन नहीं किया वहां पर, आज तक वहां पर रात्रि में पानी तक नहीं पिया,
उसने कोई भी गलत चीज नहीं खाई, इसके बावजूद उसका वहां रोज बहुत रिस्पेक्ट है, मैं उसका नाम है मेरे पास, सब कुछ है। ऐसा कहकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, जिंदगी की किसी मोड़ पर जाओ आप, आपको स्ट्रगल जरूर करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। एक क्वेश्चन पूरा हुआ इसका। एक क्वेश्चन ये है कि ज्ञानवर्णी कर्म का होता है, परीक्षा देते समय क्यों आता है? सबकी प्रॉब्लम है नहीं तो अब इतना याद करके जाते हो ज्ञानवर्णी कर्म का होता है, याद किया हुआ भी भूल जाते हैं। इसका बहुत सिंपल उत्तर है, बहुत सिंपल उत्तर है, आपको गलत फहमी है कि ज्ञानवर्धनी कर्म का उदय तभी आता है, ज्ञानवर्धनी कर्म का उदय हमेशा ही आता रहता है। आप बोलते बोलते भूल जाते हैं, ये भी ज्ञानवर्धनी कर्म का ही उदय है। आप कोई चाबी कहाँ रख करके भूल गए, परेशान हो रहे, बाप रे कहाँ रखा, याद तो ये कहीं ना कहीं रखा है, ये भी ज्ञानवर्धनी कर्म का उदय है। अरे कई बार तो इतना अच्छा होता है वो, मुझे तुम्हें एक नाम बताना है, क्या नाम उसका, ज्ञान में तो दिख रहा है चार अक्षर का नाम है, लेकिन ये भी ज्ञानवर्धनी कर्म का उदय है। इसलिए ऐसा नहीं सोचा कि ज्ञानवर्धनी कर्म का उदय केवल परीक्षा के टाइम आता, बाकी टाइम में केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी आप पढ़ लेना, दीदी सब आंसर दे देंगे सरल सारे क्वेश्चन, खास दो प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए हैं। एक और ऐसा है, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, इस बच्ची को ऐसा लग रहा है सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान, ऐसा नहीं, सम्यक ज्ञान अलग चीज है और केवल ज्ञान अलग चीज है, ये समझ लेना। हाँ बोलो। बहुत ही बढ़िया, पहली लाइन सुनो, विश्व में इनजस्टिस कभी नहीं होता, इनजस्टिस कभी नहीं होता, पहले ध्यान रखो आप। हम अच्छा करते हैं और हम ही फंस जाते हैं, सीता ने अच्छा किया था फिर भी फंस गई बेचारी, ऐसा नहीं, कर्म का उदय भी होता है बेटे, और वर्तमान में भी हमारी बहुत मिसिंग्स होती है। मैं तो चाह रहा हूँ एक पीरियड ऐसा दिया जाए आपके लिए जिसमें मुझे बताना है आपको कि भूतकाल के कर्म के उदय की वजह से वर्तमान में उदय नहीं आता, जितना वर्तमान के परिणाम की वजह से उदय आता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है मुझे पढ़ाने जैसा, मैंने भूतकाल के कर्म का उदय उतना नहीं आता जितना वर्तमान के परिणामों का फल हमको आता है। एक्चुअली आप एक्टिविटीज को बुरा काम समझते हो, इंटेंशन को बुरा काम नहीं समझते, इंटेंशंस का फल ज्यादा आता है, एक्टिविटीज का कम आता है। जैसे एक बच्ची कोई चंचलता कर रही है, हो सकता है उसे पनिशमेंट ना मिले, लेकिन आप जेलेसी कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। आप किसी का बुरा सोच रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, सोच रहे हो सकता है आपको पनिशमेंट मिल जाए। तो इस पर थोड़ी चर्चा बड़ी होगी, यदि कभी भी मेरे उपयोग होगा तो मैं आपको समझाऊंगा ये बात कि हमारा वर्तमान परिणाम इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बोलो बेटे, बैठे बैठे बता दिए फटाफट। वो कल बता दिया था ना इतने सारे पॉइंट्स, जो जीवन साथी कहा था वही फ्रेंड के लिए है, फ्रेंड के लिए भी वही बात है लगभग लगभग। हाँ बोलो बेटे। जैसे कभी अपन एक किसी बात को चारों ओर से देख सोच के फिर उस पर अपन डिसाइड करते हैं इसका नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा या पॉजिटिव, तो ये क्या नेगेटिव थिंकिंग में आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो असेसमेंट में आएगा। जो अच्छा निर्णय करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों साइड देखना जरूरी है। बहुत अच्छा, बोलो बेटे। दो तरह के लोग होते ही नहीं बेटे, सब अच्छे लोग होते हैं, हमारी एंगल नहीं होता, सियादवाद नहीं होता, हम अनिकांत तो सियादवाद से सोचना नहीं जानते। जैसे मान चलो मम्मी पापा, आपको जिंदगी में हमेशा ऐसा लगेगा मानो दोनों ही दो अलग अलग कॉर्नर पर खड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मम्मी प्यार से समझा सकती है, पापा चिल्ला के समझाते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का इंटेंशन आपको सुधारने का हो सकता है। मम्मी कहती है ले 10 रुपए आइसक्रीम खा ले, और पापा कहते हैं फालतू पैसा खर्च नहीं करना, या कई बार पापा जरा लाड़ ज्यादा करते हैं, पापा कहते हैं ले 100 का नोट और मम्मी इनका इधर ला। फालतू खर्च नहीं करना, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों की सोच एक है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर खड़े होंगे कि जब दो एंगल के लोग हो, फिर से समझ लीजिए वस्तु एक ही प्रकार की है, कथन दो प्रकार की, कैसे हमें दिखने वाले लोग दो तरह से दिखाई देंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा
कि मैं आज तक मम्मी को समझ ही नहीं पाई, कभी मम्मी कहती पढ़ और कभी कहती नहीं पढ़, ऐसा हो सकता है, कभी कहेंगे तू फालतू बातें मत किया कर, काम कर, और कभी कहते तू काम मत कर जाके सो जा, कई कई प्रसंग बन सकते हैं। तो आप इसमें यही समझिए कि उसका सियाद बात समझ लीजिए। चलिए बोलो। आपका घर कहाँ है? हैं? भिंड में हो ही सकता है इसका घर? इसका घर तो सिद्धालय है। दिक्कत यही है, वही नैरो मेंटेलिटी है। जैसे इस बच्ची को क्या भिंडी भिंडी आप जो भी हो गए अब तक तो इसके गांव की बुराई हो गई पूरी की पूरी। तो ऐसा नहीं, ऐसे ही बोलते क्या ना? अच्छा समझो समझो, पहले सुनो, पहले सुनो बेटे, कोई किसी घर की बुराई नहीं करता। मैं एक बार बोलूं, आपने अभी तक नहीं पूछी, मैं बता रहा हूँ, आप में से सारी लड़कियां इस बात से दुखी है कि ये मुझे चिढ़ाती है। नहीं चिढ़ाते कोई किसी, कोई किसी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहते कुछ। आपको ऐसा हर्ट नहीं होता जब देखो, जब ये मेरे को आंख दिखाती है, ऐसे करती है, जीभ दिखाती है, कोई जगह सब करते होंगे ना। हाँ यही हम कहना चाह रहे, मैं सबसे कह रहा हूँ मत चिढ़ो। ये दुनिया का सबसे अच्छा फ्री ऑफ चार्ज एंटरटेनमेंट है। जो चिढ़ाता है ना उसको अकल लगानी पड़ती है, और जो मजे लेता है ना उसे भी अकल लगानी पड़ती है। इसलिए तो बुरा कभी मत मानो, यदि चिढ़ा रहे तो चिढ़ाने दीजिए, एक्चुअली एक एंजॉयमेंट है, आप इसको एंजॉय करिए। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि यदि आप लोग डाइल्यूट नहीं होंगे ना, डाइल्यूट जब हम चिढ़ाते हैं चिढ़ते हैं ना तो डाइल्यूट होते एक दूसरे से, यही आपको एंजॉय करना सीखना है, और इसके बाद आपको बहुत जीव जीने करना सीखने मिल जाएगा। आप बुरा नहीं मानिए, कोई भी आपका शत्रु नहीं, आप एक बड़ा परिवार हो इस समय, और आप में से एक भी बच्ची ऐसी नहीं है जो यहाँ से जाने के बाद एक दूसरे को मिस ना करे, सब मिस करेंगे। इसका मतलब है बिग फैमिली है आपकी, तो चिढ़ने चिढ़ाने का बिल्कुल मजा लीजिए, आप मजा लीजिए कह रहा हूँ। और कोई को नहीं चिढ़ाते तो उसे बोल ये मुझे भी तो कुछ चिढ़ा मैंने एंजॉय करवा, ठीक है चलो वेरी गुड, बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, ये बात सारे हिंदुस्तान के साथ है। सारा हिंदुस्तान ऐसे ही सोचता है, जब अप्रैल में रिजल्ट आता है या मई में रिजल्ट, अप्रैल में आ जाता है आपका ना, मार्च अप्रैल में, तो मार्च एंड में रिजल्ट आता है, उस दिन रिजल्ट देखते ही लगता है इस साल जुलाई से पढ़ेंगे। सबसे पहली कसम होती है जुलाई से पढ़ेंगे, फिर दो महीने मस्ती होती है, फिर जुलाई आती है, फिर अपना प्रॉमिस याद आता है कि हमने बोला तो जुलाई से पढ़ेंगे, चलो अभी तो बुक्स नहीं आई, फिर 15 दिन बीत जाते, फिर लगता है अभी तो टीचर प्रॉपर पढ़ा ही नहीं रही है उनका, फिर लगता है नहीं 15 अगस्त के बाद पक्का। एक डिले करने की आदत होती है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको वाकई में सब्जेक्टिव कमांड करना हो तो बचना इस चीज से, और इसके लिए विल पावर आपको ही तैयार करनी पड़ेगी, कोई नहीं देगा आपको। वेरी गुड, बोलो। इससे अभी अभी आपने ट्यूशन का बोला था, तो मैं आपको ऑलमोस्ट 25 सब्जेक्ट्स से और हम लोग नहीं लेते, तो वो जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो कैंटीन में भी बहुत शोर करते हैं, तो हम लोग साथ में तो सर भी दिखा। बहुत बढ़िया है, इसके लिए बहुत अच्छा है, आप इसके लिए बड़े प्रेम से पूरे समझाइए छात्रों को, पहले समझो तो समझो, समझो ना बेटे, इसके बाद आप टीचर को बोलिए ये कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं। इसके बाद भी नहीं मानते तो आप प्रिंसिपल के पास जाइए, आप कहिए कि ये इस कारण से ऐसा करते हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, या आप एक काम करिए सारे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का एक सेक्शन अलग कर दीजिए, और हम ट्यूशन नहीं पढ़ने वाले सारे बच्चों का सेक्शन अलग कर, चढ़ने दो, यही तो लड़ाई है, यही तो फाइटिंग है, अपने अधिकारों के लिए अपने राइट के लिए लड़ना सीखो इस मामले में। हाँ बोलेंगे सोवर, ऐसे नहीं चा 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 पा 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 पा, आप बड़े बोले आप बड़े सोवर।
बिल्कुल बताइए, बस सोबर तरीके से बताइए, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए बोलो बेटे। बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा है, आप प्रेडिक्शन किया करो, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है। चलिए और बोलो, बस हो गया, चलिए अब हो गया पूरा, वेरी गुड बेटे। आप ये क्वेश्चन आंसर है ये ले लेना ना यहाँ से, और भी क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ बोलो, देखो बताती दीदी ने, हालांकि 84 का मतलब ये है आपका उपयोग को भटकाने वाले 84 साधन। कई बार लोगों की आदत ही होती है, आपने देखा हो यदि कई बड़े बुजुर्गों को उन्हें प्रयोजन कभी समझ में नहीं आती, जैसे टिक करके बैठने वाले, जैसे आप देख ले जो ऐसे बैठा है उसके प्रवचन समझ नहीं आए, ये असाधना दोष कहलाती है। पीछे टेक के बैठ गए तो लड़क जाएगा, सो जाएगा वो। और नहीं तो कई लोगों की ऐसी आदत है, जैसे आप अभी आप बच्चों के हाथ में पेन नहीं है ना, पेन है किसी का, हाँ तो जिन बच्चों के हाथ में पेन है तो ऐसे घुमाते हैं, कभी ऐसे ऐसे खेलते रहते, तो जो लोग ऐसे करते रहते ना उनका 50-50 हो जाता है मूड, तो फोकस खराब हो जाता है। कभी भी पेन नहीं चलाइए, रख दीजिए, कभी पेन नहीं चलाइए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और कोई, जब कभी क्लास में दीदी पढ़ा रही, बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होने भी चाहिए, हमारा उपयोगी ना लगे। उपयोग नहीं लगने के सबसे पहला कारण है कि या तो उसकी उपयोगिता भाषित नहीं हो रही, जैसे कई बार बच्चों को ऐसा लगता है एक इतना बड़ा सपना लेकर आए, मेरे को इस धर्म से क्या लेना देना, मेरे को तो अच्छे स्कूल की वजह से आई, मेरे गांव में अच्छा स्कूल नहीं था, यहाँ दिल्ली है यहाँ बढ़िया स्कूल मिलेगा, और यहाँ स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हवाई जहाज का पायलट बनना है। अब ऐसा सपना लेकर आई ना, तो ऐसी बच्ची सबसे आगे की रो में नहीं बैठेगी, वो सबसे पीछे की रो में बैठेगी। सब बच्चियां उल्लास से पढ़ रही हूँ, जे त्रिभुवन जे त्रिभुवन, जब आपका फोकस खराब है ना तो ऐसा हो जाता है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं आपके ऐसा तो नहीं लग रहा है बर्डन है, बोरिंग है। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं अंतिम प्रश्न का जवाब देके जाता हूँ। ओके हाँ, वो सही बोल रही, कोई खास बात नहीं, एक समझो जरा, नेगेटिविटी एक लाइन में है बस, अपना फोकस के प्रति हतोत्साहित होना ही नेगेटिविटी, अपने फोकस के प्रति, अपने विजन के प्रति, अपने चार्मिंग लाइफ के प्रति हमेशा नेगेटिव सोचना, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं पढ़ सकती, इस तरह की सोच, मैं नहीं बोल सकती। आप में कितनी बच्ची ऐसी होंगी, चलो दीदी के पास चलना, तू चलना आगे, तू चल मैंने इस तरह की जो सोच है ना भयभीत होने की, तो इसके लिए आप कभी किसी को सहारा मत दीजिए कि तुम आगे चलो, नहीं आप चलिए, आप ही बोलिए हम आपके पीछे, क्योंकि आपको बेटे फेस करना सीखना है। जो अच्छे लोगों को फेस नहीं कर सकते वे बुरे लोगों को कभी फेस नहीं कर पाएंगे, अच्छे लोगों का फेस नहीं कर सकते वे बुरे लोगों के सामने एकदम बेहोश हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। और ऐसी लड़कियों को लड़के लूट सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो जरा सा आपको थ्रेट करेगा आज रात को। अब आप अपने कमरे में सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद आप डर रहे आज रात को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको निडर होना चाहिए। तो नेगेटिविटी ऐसी चीज होती है, और बाकी आप चर्चा करना और पूछेंगे तो हम बताएंगे। पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी, वो मैं बता दूं आपको, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को तो जरूर ऐसा लगता होगा कि यहाँ हैवी वर्डन है, सुबह से शाम तक कितनी पढ़ाई, कितनी परीक्षा, मेरे स्कूल का अलग, इसका अलग, उसका अलग, भले आप ऊपर से मना करें लेकिन अंदर अंदर तो थोड़ा लगता होगा ना, थोड़ा थोड़ा, काश एक कक्षाएं नहीं होती, काश से भक्ति नहीं करना पड़ती, काश एक उत्तर तो हम दे चुके हैं आपको,
कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दूसरा, आपकी जिंदगी का निर्माण हो रहा है यहाँ। इन 5 सालों में जो कुछ आप सीखेंगे 4 सालों में, वो जिंदगी भर का ट्रेंड बनेगा आपका। आप लेजी बनेंगे तो जिंदगी भर लेजी रहेंगे, आप अनकंट्रोल्ड होंगे तो जिंदगी भर अनकंट्रोल्ड होंगे। यदि आपको देवसाज गुरु की महिमा नहीं आई 4 सालों में तो जिंदगी भर नहीं आएगी आप। मैंने एक ट्रेंड लाइन है आपकी इस समय, आपके लिए यूँ समझो टीन एजर हो आप। टीन एजर से जैसे आप एडल्ट होने के लिए जाएंगे ना, तो वो आपका रोड मैप तैयार कर देगा। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, आप सबके लिए कह रहा हूँ, शायद वहाँ बताई भी थी नीचे, लेकिन आप थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। समय रहते निर्णय करो आपको क्या करना है, ठीक है, याद रहेगी मेरे घर को। तो आप 4 साल आपको इसलिए कंट्रोल किया जाता है, पंक्चुअल किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है, आपको अपने काम करना आना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना आना चाहिए, अपने आप को गुस्सा जब आता है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, एक दूसरे को समझना आना चाहिए, फेस रीडिंग आनी चाहिए, ये सारे गुण आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बोलो बेटे, आप रहे या तो पूछते ही जा रहे हो। बहुत बढ़िया है, हाई वर्ड मतलब आई, ओके ओके ओके, वेरी गुड, अच्छा अच्छा, सब समझ गए होंगे आप, ये सब समझ गए, आपको समझा देंगे। आई का मतलब मैंने किया, फिर वो मैंने बोला, फिर मैंने खाया, आज मैंने पूजा करी, वो तो आज मैंने खिचड़ी बनाई इसलिए टेस्ट दिया। जी मैं एम इगो, इसका प्रयोग करने वालों की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती। आपने कभी देखा है जब भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो क्या कहता है विराट कोहली, क्या बोलता है? इट इज टीम स्पिरिट, इट इज टीम वर्क, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ये किसी को श्रेय नहीं जाता, सबको श्रेय जाता है। बस आप भी हमेशा, हमारी पंडित साहब की भाषा में कहें तो सफलता का श्रेय दूसरों को देना सीखो, और असफलता का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहना चाहिए वो अपने आप को लेना सीखो, अपने दुख अपने सुख बांटना सीखो, और दूसरों के दुख बटाना सीखो। ये बहुत अच्छी अच्छी बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक बच्ची को कह रही थी मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, उसके संबंध में मुझे एक ही बात कहना है, तो कोई बात नहीं, साइकोलॉजी में दी बेस्ट साइकोलॉजी जैन धर्म में है। मैं भी आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलवाऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा, ऐसी उल्टी सीधी सलाह देते हैं। साइकोलॉजिस्ट माने बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो बेसिक ज्ञान है ना सर्वज्ञता नहीं उनके पास। वे जिस देश में जिस क्षेत्र में जिस काल में जहाँ जैसी चीजें देखते हैं उसके आधार से किताबें लिखते हैं, और उन्हें वो पढ़नी पड़ती जो पुरानी है, लेकिन हमारे पास जो है ना टोटली अपडेट है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप इसे जरूर पढ़ें। वेरी गुड, आज भी खूब समय ले लिया आपका हमने, आप लोग सफल हो इसी शुभकामना के साथ। जय जय।